अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है अबाउट गैसियस एक्सचेंज वो कंटिन्यू है, और उसमें टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रिस्पिरेटरी गैसेस के ऊपर, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से परफॉर्म होती है। और अब उसका जो सेकेंड पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ऑक्सीजन है उसकी ट्रांसपोर्ट किस तरीके से परफॉर्म होती है, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड में, इवन डिफरेंट बॉडी में। तो उसमें आप देखें तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के लिहाज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है, और ये फ्रीली डिसॉल्व हो जाती है और ईजीली मूव करती है इनटू द ब्लड। अब इसमें हम ट्रांसपोर्ट की अगर आप इसकी बात करें तो इसकी ट्रांसपोर्ट डिफरेंट वेज में परफॉर्म होती है। अबाउट फर्स्टली आप देखें तो 20% के करीब इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ये उस वक्त होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाए हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ, इसका जो अमाइनो ग्रुप है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड कर जाए तो उस कंडीशन में ये बनती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस रिज़ल्ट में भी ये डिफ्यूज़ होती है अबाउट 20%। इसके बाद दूसरा जो है अबाउट 5% इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो परफॉर्म होती है कुछ कैरियर प्रोटीन्स के ज़रिए, कैरियर प्रोटीन्स के ज़रिए इनटू द ब्लड और ब्लड स्ट्रीम। और 70% तक इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो परफॉर्म होती है बाइकार्बोनेट्स की सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो जब आपने देखा कि 20% ट्रांसपोर्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, 5% इसकी ट्रांसपोर्ट कौन करेंगे, कैरियर प्रोटीन्स, और 70% इसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो किस फॉर्म में होती है, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। अब ये बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में इसकी किस तरह से होती है कि जब ये कंबाइन करती है सोडियम वगैरह के साथ, और आप देखें जैसे फर्दर आके कि जब अबाउट 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कैरिड एज बाइकार्बोनेट आयन कम्बाइंड विद सोडियम इन द प्लाज्मा, एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज फ्लोइड एंटर्स द कैपिलरीज टू कम्बाइन टू फॉर्म इट कम्बाइन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, कि जब ये टिश्यू फ्लोइड में मूव करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ कम्बाइन करती है और क्या बनाती है हमारे पास CO2 कंबाइन करेगा जब H2O के साथ, तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी H2CO3 विच इज़ अ बाइकार्बोनेट, जो कि क्या है आपके पास एक बाइकार्बोनेट है। और ये रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल है, इसमें हमारे पास जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इंजाइम यूज़ होगा, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस यहाँ पर इंजाइम यूज़ होगा जो ये रिएक्शन को परफॉर्म करवाएगा। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ बाइंड किया, इसके साथ मिली, तो क्या बन गया, बाइकार्बोनेट आयन। तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो इस फॉर्म के अंदर होती है। इसके बाद जैसे ही आप आगे पढ़ें, द कार्बोनिक एसिड स्प्लिट्स क्विकली एंड आयनाइज़ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स एंड बाइकार्बोनेट आयन्स। अब जब ये आगे बन गया H2CO3, तो इससे आगे क्या होगा, आप ये देखें कि ये आपके पास बन गया H2CO3 जो कि है बाइकार्बोनेट। अब ये क्विकली आयनाइज होगा और स्प्लिट कर जाएगा इनटू हाइड्रोजन आयन, जब हाइड्रोजन आयन बनेंगे और साथ में क्या बनेगा HCO3-, ये आपके पास बन जाएगा बाइकार्बोनेट आयन्स, जिसे हम ये आगे पढ़ रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा। तो यहाँ आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ कंबाइन करके बाइकार्बोनेट बनाया, बाइकार्बोनेट जब क्विकली स्प्लिट हुआ तो इसने क्या बना दिया, हाइड्रोजन आयन्स और बाइकार्बोनेट आयन्स। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि जब ये लंग्स में सारा ये लंग्स में लंग के टिश्यूज में मूव करते हैं तो ये दोबारा आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे आप अगला आगे देखें कि व्हेन ब्लड लीव्स द कैपिलरी बेड मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स, ऑल दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होते हैं। इन द लंग्स बाइकार्बोनेट आयन्स कंबाइन विद हाइड्रोजन आयन्स
to form carbonic acid which splits into water and carbon dioxide. So that's why आप ये देखें कि यहाँ से reaction start हो रहा था, आपके पास bicarbonate बना, then bicarbonate split कर गया into this one. अब जैसे ये lung tissues में enter होंगे तो ये दोबारा combine करेंगे एक दूसरे के साथ, HCO3 negative plus H positive, ये आपके पास combine करेंगे, तो इनके combine करने से H2 और साथ O plus remaining CO2, तो देखें आप reaction दोबारा वापस की तरफ आ गया, कि जहां से वो start हुआ था वापस हम उसी तरफ आ गए, कि हमारे पास जो reactant थे वो क्या थे, carbon dioxide और water, और result में products भी क्या बनी, water और carbon dioxide, तो ये reaction इस तरह से चलता रहता है. तो आपने intermediate देखा क्या था, कि इस reaction का जो intermediate था वो क्या था, bicarbonate, कि most of the carbon dioxide जो वो इस form के अंदर जो वो transport करती है. Then एक हमारे पास एक है carbon dioxide concentration in arterial and venous blood, ये हमारे पास एक question है. It has been found that arterial blood contains about 50 ml of carbon dioxide per 100 ml of blood. जहाँ से मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक हमारे पास है arteries, दूसरी है veins. जितनी भी आप हमारे पास arteries हैं, ये हमारे पास blood carry करती हैं oxygenated as compared to veins. सिर्फ except जो आपके पास pulmonary artery है, वो उसमें जो deoxygenated blood होगा, और pulmonary vein जो उसमें oxygenated blood होगा. तो आपके पास जो arterial blood है उसमें 50 ml जो है वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड. वीनस ब्लड है 54 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड. यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि आर्टरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम है एज कम्पेयर टू वीनस ब्लड, के 4% का डिफरेंस है. वहाँ पर आपने जब आर्टरीज की बात की तो आर्टरियल ब्लड जो है उसमें 50 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है पर 100 ml ऑफ ब्लड, जबकि वेन्स में बात करें तो वहाँ पर 54 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है पर 100 ml ऑफ ब्लड. इन दिस ईच वे 100 ml ऑफ ब्लड टेक्स अप जस्ट 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज इट पासिस थ्रू द टिश्यूज एंड गिव्स ऑफ 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड एज इट पासिस थ्रू द लंग्स. ये वो क्या आपको बताना चाह रहा है, देखें यहाँ पर आपको एक्चुअली एक्सचेंज का बताया जा रहा है कि एक्सचेंज कितने का हो रहा है. बात उसने ये की कि अगर आप आर्टरियल ब्लड की बात करते हैं, आर्टरियल ब्लड इसमें 50 ml होगी कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड, जबकि आप वीनस ब्लड की अगर आप बात करें तो उसमें 54 ml होगी कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड. सो डिफरेंस कितना आया, 54 माइनस 50 इज इक्वल टू 4. सो 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका एक्सचेंज होगा, कि ये इन एंड आउट जो है वो मूव करती है, इसका एक्सचेंज होता है. क्यों, क्योंकि आप देखें सिर्फ 4% जो है वो वेनस के ज़रिए जो है वो आगे मूव कर रही है, रिमेनिंग वो वैसे ही रह रहा है. तो ये नेट डिफरेंस आ रहा है इसमें, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज आउट इन मूव करती है. तो ये हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये क्लियर हो गई, जिसमें हमने डिफरेंट इसके फैक्टर्स डिस्कस किए, किस किस तरीके से ये परफॉर्म होती है, क्या क्या इसमें सब्सटेंसेस रोल प्ले करते हैं. इसके अलावा पोटाशियम जो है उसके ज़रिए, पोटाशियम आयंस के ज़रिए भी जो है ये मूव करती है, उनके साथ उसके जो कॉर्पसल्स हैं उसके साथ बाइंड करके. तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर जो है ये क्लियर हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का. तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.